हेलो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा, तो जितने सारे व्यूअर गण हैं वह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के डिमांड पर ही बनाया गया है, आप सभी के हित में बनाया गया है, आप सभी के हक के लिए बनाया गया है, आप सभी के लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। आपको अब क्या करना है जिससे कि आपका वैकेंसी बढ़े, और वैकेंसियाँ ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि बी स्पेशल में अभी लगभग बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, और ओनली वैकेंसी आपका दिया गया है ओनली 40। बहुत सारे सर ने भी इस पर वीडियो बनाया है, तो मेरे सारे स्टूडेंट ने भी मुझे बोला, तो मैं आप सभी के हित में ही हूँ। जितने सारे स्टूडेंट हैं मैं उन सब के साथ में हूँ। अगर आपने अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आपने ये जल्द से जल्द कर दिया तो आपका वैकेंसियाँ ज़रूर भरेगी। क्या करना है क्या नहीं करना सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग जितने सारे आपका ग्रुप है इलेक्ट्रिकल का, जो भी ग्रुप है जो जेई एस्पिरेंट है डिप्लोमा वाले, वो अपने अपने सारे ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे एक साथ एक समय एक दिन इकट्ठा हुए और वैकेंसी बढ़ाने की मांग करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और सभी जो डिप्लोमाधारी छात्र के संघ हैं वो सभी जो निष्कर्ष निकालें वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिनांक आपका रहेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, 11/3/2024 को, कब 11/3/2024 को आपका डेट दिया गया है। इस दिन आप सभी को 11 बजे बिजली भवन में जाना है। कहाँ जाना है प्यारे बच्चों? बिजली भवन में, यानी दिन आपका मंडे सोमवार पड़ता है। सभी डिप्लोमाधारी से निवेदन है कि अपने हक की लड़ाई में वैकेंसी बढ़ाने तो सभी लोग पटना विद्युत भवन, कहाँ आपको आना है? पटना में जो विद्युत भवन है, 11/3/2024 को 11 AM आए, हम लोग एक कदम कामयाबी की ओर रहेंगे। जैसा यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो लिखा है उसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी तो देख ही चुके होंगे कितनी कम वैकेंसियाँ दी गई है सरकार की तरफ से, ओनली यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, JEE GTO यानी कि जो ट्रांसमिशन की पोस्ट होती है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO में जनरल की पोस्ट अभी नहीं है, जिसमें कि लगभग 400 से 600 वैकेंसी खाली है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और 100 प्लस वैकेंसी सिविल वालों के लिए भी खाली है। वो वैकेंसी आपका नहीं दी गई है। GTO की पोस्ट आपको एक लॉलीपॉप थमा दी गई है, जिसमें टोटल सीट ओनली 40 है। तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका माइंड घूम गया होगा देखे कहीं, जिसकी वैकेंसी 3-4 दिन पहले ही आई थी, चैनल पे भी मैं बताया था। तो बिहार में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले के लिए एकमात्र वैकेंसी आई है कितने 6 सालों में, और उसमें भी ओनली 40 सीट दी गई है। अरे भाई, अभी तो सब लोग जाग जाइए, अगले 6 साल यानी कि 2030 तक ये ना हो कि 4 ही सीट आए। तो जबकि सरकार के पास 1000 सीट खाली है, तो आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना सारी जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंटरनल वैकेंसी आई है उसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल की 109 वैकेंसी है, और GTO की 89 वैकेंसी है जो इंटरनल वैकेंसी है। हाल ही फिलहाल में जूनियर इंजीनियर सिविल की 16 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी आपका इंटरनल से दिया जा रहा है। जबकि प्यारे बच्चों, जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होता है वो ओनली 40 सीट, जबकि इंटरनल वैकेंसी से 3-4 गुना ज़्यादा ही वैकेंसी आपको फ्रेशर के लिए होती है, यानी वहाँ पर 200 इंटरनल वालों को दे रहे, तो यानी 3 गुना कम से कम 600 वैकेंसी आप लोगों के लिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए दिया जाना था। लेकिन ऐसे सरकार नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने अपना प्लान बना लिया है, 11 तारीख को आपको विद्युत भवन पटना जाना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑल स्टूडेंट जाएंगे, जितने सारे बच्चे हैं ऑल स्टूडेंट डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले सारे बच्चे विद्युत भवन पटना जाएंगे, वहाँ पर अपना अपना मांग रखेंगे, पोस्टर बना लेंगे, सारे पोस्टर ये सब बन चुका है। तो आप लोग अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ जो भी जहाँ हो, जैसे कोई कुर्जी में होंगे, कुर्जी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, राजीव नगर में है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे स्टूडेंट, बाजार समिति में कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट इंजीनियर अकाडमी के आसपास रहते होंगे, और बहुत सारे गया मुजफ्फरपुर जो भी जहाँ भी अभी हों, वो सारे स्टूडेंट कम से कम जो पटना वाले स्टूडेंट हैं वो ज़रूर वहाँ पर जाके अपना अपना मांग को रखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो आपके लिए कभी नहीं वैकेंसी आने जा रही है। ऐसे देख सकते हैं ELP में भी वही हुआ, बहुत ही कम वैकेंसी आपको दी गई, लॉलीपॉप थमा दिया गया। उसी प्रकार से बी स्पेशल इलेक्ट्रिकल यानी बिजली विभाग की तरफ से ओनली 40 सीट ही दी गई है। तो यही आपको अपडेट देनी थी, आपको कब जाना है कहाँ जाना है, बिजली भवन जाना है,
बिजली भवन पटना। कितना तारीख को? 11 मार्च 2024 को। दिन आपका सोमवार है, तो 11 बजे वहाँ पर सभी लोग उपस्थित होंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अगर वहाँ पर आप लोग जाते हैं तो ज़रूर वैकेंसियाँ बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा और आपको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है। क्या प्यार बच्चों? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है। आज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। आप सभी को शांतिपूर्ण अपनी बात को वहाँ पर बिजली भवन में रखना है। सभी लोग शांतिपूर्ण में, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी जिम्मा पे जरूर जाइएगा, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको जल्द से जल्द भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वैकेंसियाँ जरूर भरेगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं इंटरनल में ही 200 वैकेंसियाँ आपको दी जा रही है, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ओनली GTO वाले पोस्ट में दिया जा रहा है 40, जबकि जनरल वाले पोस्ट में 600-400 प्लस वैकेंसियाँ खाली हैं। कम से कम तो 400 वैकेंसियाँ स्टूडेंट के लिए दिया जाना ही चाहिए। मिनिमम तो आपका जानते हैं 600 से 800 पोस्ट खाली है। एक RTI भी वायरल हो रहा है जिसमें 214 पोस्ट का डिस्कस किया जा रहा है कि इतना पोस्ट खाली है, जबकि बच्चों के लिए कम से कम जो वैकेंसियाँ आनी चाहिए 400 से 600 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तभी सभी बच्चे संतुष्ट होंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं 18 बैच 19 बैच 20 बैच 21 बैच 22 23 और जो अभी 24 में पास आउट होंगे वो तो नहीं एलिजिबल है, यानी 23 तक लगभग 7 बैच के स्टूडेंट हैं। हर साल मान लीजिए बिहार में 2000 स्टूडेंट पास आउट होते होंगे, यानी 7 × 14 लगभग 14000 इलेक्ट्रिकल के यहीं से हो गए। तो इन सभी के लिए ओनली 40 वैकेंसियाँ एक लेमन जूस की तरह दी गई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आपको यही एक अंतिम उम्मीद है कि आप लोग 11 तारीख को वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बिजली भवन में अपने वैकेंसी बढ़ाने, तो सभी लोग पटना में विद्युत भवन जरूर जाइएगा। इससे रिलेटेड तभी कुछ आपका होगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल GTO में पोस्ट दी गई है, जबकि जनरल में पोस्ट नहीं दी गई। मैं यही आपको बात बताने जा रहा हूँ, इतना देर से मैं यही समझा रहा हूँ, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ। सभी बच्चे ज़रूर जाइएगा स्पेशल JEE के वैकेंसी बढ़ाने के लिए, और आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों टेक केयर। आप लोग सभी डिप्लोमाधारी इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिजली भवन पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश नहीं, सभी को ज़रूर से ज़रूर आना है। क्या प्यार बच्चों? सभी को बिजली भवन ज़रूर से ज़रूर आना है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।